वेरी गुड मॉर्निंग टू माई डियर स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 3, मनी एंड क्रेडिट. दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर: मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फॉर्म्स ऑफ मनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर पुअर्स, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट. वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट इज मनी. दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मनी. व्हाट इज मनी? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी क्या है? एक एक्सचेंज का एक मीडियम है, यानी कि माध्यम है. मनी क्या है? इसके द्वारा हम गुड्स आर सोल्ड फॉर मनी, यानी कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं या कोई चीज़ बेचते हैं किसके लिए? पैसे के लिए, यानी कि मनी के लिए. मनी के द्वारा कोई भी सर्विसेज आर एक्सचेंज विद मनी. कोई भी सर्विस हम लेते हैं तो बदले में हमें क्या देना पड़ता है? पैसा. यानी कि अगर कोई सर्विस हम लेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे. अब मान लो हमें कहीं भी ट्रैवल करना है, यानी कि बस में ट्रैवल करना है या ट्रेन में ट्रैवल करना है, तो हमें उसके लिए क्या देना पड़ेगा? मनी. यानी हम टिकट लेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो बदले में हमें पैसा देना पड़ेगा. इसी प्रकार से एक और माध्यम है जो कि हम कोई भी चीज़ किसी से लेते हैं, उधार लेते हैं या किसी से मांगते हैं, और हम उसको क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं. प्रॉमिस आर डन टू पे मनी लेटर. यानी कि मुझे ये सर्विस आप दे दो और बाद में मैं आपको क्या है? मनी आपको दे दूँगा. तो इसलिए एक ये भी एक मेथड है कि एक एक्सचेंज का ये भी एक मेथड है कि हम प्रॉमिस करके कोई भी सर्विस ले लेते हैं और बाद में उसके पैसे वापस कर देते हैं. इस प्रकार से वी नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ वाज द ट्रांजैक्शन ऑफ ओल्डन डेज. पुराने टाइम में ट्रांजैक्शन का किस प्रकार से करते थे? ट्रांजैक्शन का क्या माध्यम था? कैसे ट्रांजैक्शन की जाती थी? तो ये हमारा टॉपिक है बार्टर सिस्टम, यानी कि विनिमय प्रणाली. विनिमय प्रणाली क्या होती है? द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स इज नोन एज द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है? इसमें वस्तुओं के आदान प्रदान की प्रणाली को, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान जब हम करते हैं तो इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं. यानी अगर हमें एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है, यानी कि एक ए पर्सन और बी पर्सन, ये बोलता है कि आई नीड योर सर्विस एंड बी बोलता है आई नीड योर सर्विस. अब जो ए है वो बी से सर्विस मांगता है और जो बी है वो ए से सर्विस मांगता है. कैसे? ओके, जैसे कि ए के पास वीट है और बी के पास राइस है, तो ए को अगर राइस इससे लेने हैं तो बदले में ये उसको वीट देगा और बी उससे वीट लेगा और बदले में उसको राइस देगा, यानी कि चीज़ के बदले में चीज़. तो दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम. तो इसमें देखते हैं हम, लेट्स एक्सचेंज इट, यानी कि वो चीज़ों को आपस में अदल बदल लेते हैं. तो इसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम. और नेक्स्ट पॉइंट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग. इट मीन्स बोथ पार्टीज़ आइदर द बायर्स एंड द सेलर have to agree to sell and buy each other commodities. जो buyer है यानी कि जो ख़रीदने वाला है और जो बेचने वाला है यानी कि seller है, दोनों agree हो जाते हैं अपनी चीज़ को ख़रीदने के लिए और बेचने के लिए. दोनों की आपस में सहमति है. यानी कि हम example लेते हैं, जैसे wheat growing farmer, अब जो किसान है जो अनाज उगाता है वो, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम द शू मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो जूता बनाने वाला होता है, यानी कि शू बनाने वाला होता है. अब मान लो अब वीट ग्रोइंग फार्मर है, उसको क्या करना है? अपने जूते ख़रीदने हैं, तो क्या करने जाएगा? वो जूते ख़रीदने के लिए जाएगा. और जो शू मेकर है उसको वीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वीट ख़रीदना चाहता है. अगर बाय चांस दोनों ही बायर जो है वो अपनी जो चीज़ ख़रीदना चाहता है और सेलर जो चीज़ बेचना चाहता है, बाय चांस दोनों ही जो चीज़ वो लेना चाहता है और जो दूसरा व्यक्ति देना चाहता है, तो आपस में दोनों की कोइंसिडेंस हो जाता है, दोनों एक दूसरे के लिए रेडी हो जाते हैं.
देने के लिए और लेने के लिए, तो उसमें क्या होगा, दोनों का कोइंसिडेंस हो गया, दोनों आपस में जो लेना चाह रहा है और जो देना चाह रहा है वो आपस में चीज़ों को आपस में अदल बदल लेते हैं अपनी सहमति से, तो उसको क्या कहेंगे हम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, यानी कि जो दोनों ही पक्ष की आपस में सहमति होती है तो इसको क्या कहा जाएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जो कोइंसिडेंस होता है वो जो हमारा बार्टर सिस्टम को अच्छी तरह से एक्ट करने में हेल्प करता है।